फिर मेरी नज़र गई मुझे देखी, मैं समझ गया कि मुझे पहचान रही है। और फिर मैं फ़्लाइट में बैठ गया, वो भी बैठ गई, वो भी बॉम्बे आना था। फिर बॉम्बे एयरपोर्ट पे वो बेल्ट के उस तरफ सामान लेने खड़ी थी, मैं इस तरफ खड़ा था। फिर मैं सिगरेट पी रहा, तब सिगरेट पी सकते थे, बहुत पुरानी बात। फिर मैंने देखा वो मुझे देख रही है, मैं समझ गया कि वो पहचान रही है लेकिन बात करना चाहती नहीं। मैंने स्माइल कर दिया। नेक्स्ट मोमेंट वो मेरे को आई और आके मैंने कह दी, बड़े बदतमीज़ हैं आप। मैं डर गया, मैं कांप गया। मैंने कहा ये मतलब, मैंने कहा जी, मुझे लगा मैंने स्माइल किया ना उसका बुरा मान गई हूँ। बड़े बदतमीज़ हैं आप, शर्म नहीं आती आपको, कोई ऐसा करता है औरत के साथ? सो दोस्तों, बहुत कमाल दे अदाकार ने पंकज बैरी जी साढ़े नाल अज मौजूद ने। सर की हाल चाल ने जी? रब दी मेहर है जी, बल्ले बल्ले जी। सर चंडीगढ़ दे विच आए हो, सब तो पहला तो मैं ये जानना चाहुंदा है भी चंडीगढ़ नाल किस तरह का कनैक्शन है, और पंजाबी तो तुसी हैगे ही हो, की कनैक्शन है चंडीगढ़ दा? हाँ जी, मैं पहली गल तो हाँ मैं पंजाबी हाँ। लोग मनते नहीं कि मैं पंजाबी हाँ। कोई मुझे कहता था, अरे आप इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं, आप तो प्योर हिंदी बोलते हैं, आप तो राजस्थान के हैं, आप MP के हैं, आप बिहार के हैं। बड़ी मुश्किल से आते थे कि पंजाब के भी हो सकते हैं। फिर मैं पंजाबी विच गल करदा सी, मैं कहिंदा हाँ मैं पंजाबी हैगा जी। हरियाणवी भी मुझे बोलते हैं, हाँ मैं हरियाणा में पैदा हुआ, पला बड़ा। अरे वो सब लैंग्वेज बोलने का मुझे बड़ा शौक है, बड़ा। आज चंडीगढ़ से मेरा वाबस्ता, मेरा वास्ता रहा है कि मैं, जैसा मैंने कहा कि मैं पैदा अम्बाला में हुआ, पला बड़ा कालका पिंजौर में, स्कूलिंग कालका पिंजौर में हुई, ग्रेजुएशन कालका से हुई। फिर डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर से मैंने ड्रामा में डिप्लोमा किया, फिर डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर से मैंने ड्रामा में MA की, और ईश्वर की कृपा से पहला गोल्ड मेडलिस्ट भी मैं हूँ। और चंडीगढ़ में बहुत थिएटर किया, बहुत थिएटर किया, और बस ये सब यादें हैं चंडीगढ़ की जो हमेशा याद रहेंगी। जी तुम लैंग्वेज की गल की हूँ, नाल एक ना मेरे दिमाग दे विच एक चीज़ आती है भी जो एक्टर हों कि वडभागी हों कि सारिया जिंदगी जींदा आ, और कि सारी लैंग्वेज वो कैमरे के उपर बोलता है, और किन्ने सारे किरदार जींदा आ। तुम ये चीज़ में सोच के वडभागी समझते हो अपने आप? बिल्कुल जी, मैं बड़ा लकी हाँ। मैं अपने आप को सच्ची मुची बहुत वडभागी मानना कि एक एक्टर का काम की होंगे। हुण देखो ऑडियंस दे रिएक्शन भी आ रहे हैं, कोई मैनू गाल कढ़ेगा, कोई किसी नू गुस्सा चढ़ गया, कोई मैनू प्यार करेगा। ये मैनू हाँ, एज एन एक्टर मैं अपना काम कर रहा। पंकज बैरी का काम है एज एन एक्टर परफॉर्म करना, बाकी वो करैक्टर दे उत्ते रिस्पोंस पब्लिक का की आंदा है, वो दैट इज़ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। तो मैं मैनू बड़े डिफरेंट डिफरेंट किरदार करन दे मौके मिलते हैं, उन्हां विचों एक किरदार ये भी है सी तो मर जानी दे। उन्हें गल की है भी गाल भी कढ़ते हैं ना लोग। सो एक एक्टर नूं मिलता जी बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, तो एक पार्ट शायद आप कैसा दे ये भी है। ऐसा किस्सा सुनाता हूँ आपको, मैं हिंदी में सुनाऊँगा। एक शो आता था बहुत पहले उम्मीद ZTV पर, वो इतना स्ट्रांग कंटेंट था, इतना स्ट्रांग राजस्थान की बैकड्रॉप पर, उसके अंदर मैंने बहुत गंदा नेगेटिव किरदार किया था, लचरस जेठ का किरदार। मुझे सच में नफरत करते थे लोग उस गाँव में। मैं शूटिंग में, जहाँ हम शूटिंग कर रहे थे राजस्थान में, अकेला अलाउड नहीं था, मुझे बाहर नहीं जाने देते थे, मतलब पंकज बेरी को बाहर नहीं जाने देते थे। मोची ने, मैं जूती खरीदने गया, मुझे जूती देने से मना कर दिया, तेरे को जूती नहीं दूंगा। इतनी नफरत करते थे उस किरदार से, मुझसे नहीं। बेंगलोर एयरपोर्ट में मैं खड़ा था, तब मैं सिगरेट पीता था, एक लेडी थी 40 साल की, मुझे देख रही थी। मैं सिगरेट पी, फिर मैंने देखा वो देख रही थी। फिर मेरी नज़र गई मुझे देखी, मैं समझ गया कि मुझे पहचान रही है। और फिर मैं फ़्लाइट में बैठ गया, वो भी बैठ गई, वो भी बॉम्बे आना था। फिर बॉम्बे एयरपोर्ट पे वो बेल्ट के उस तरफ सामान लेने खड़ी थी, मैं इस तरफ खड़ा था। फिर मैं सिगरेट पी रहा, तब सिगरेट पी सकते थे, बहुत पुरानी बात। फिर मैंने देखा वो मुझे देख रही है, मैं समझ गया कि वो पहचान रही है लेकिन बात करना चाहती नहीं। मैंने स्माइल कर दिया। नेक्स्ट मोमेंट वो मेरे को आई और आके मैंने कह दी, बड़े बदतमीज़ हैं आप। मैं डर गया, मैं कांप गया। मैंने कहा ये मतलब, मैंने कहा जी, मुझे लगा मैंने स्माइल किया ना उसका बुरा मान गई हूँ। बड़े बदतमीज़ हैं आप, शर्म नहीं आती आपको, कोई ऐसा करता है औरत के साथ? फिर मैं समझा, मैंने कहा अच्छा, आप उम्मीद सीरियल की? कहती हाँ, कहती ये सब आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है मेरी तरफ से। तो मैंने बहुत खुश हुआ था। ये ऑडियंस के रिएक्शंस होते हैं, ये किस तरीके से आप लेते हैं कॉम्प्लीमेंट, अच्छे भी होते हैं, नहीं भी होते इन चीज़ों आपका? मैंने कभी ये सोच के काम नहीं करता हूँ कि मेरा काम सबको पसंद आए। हम मेरा काम एज एन एक्टर सबको पसंद आना चाहिए, हो सकता है वो करेक्टर सबको पसंद ना आए,
ऑडियंस की रिएक्शन है, तो अच्छी बात है, अच्छा बुरा सब चलता है। जो आपने किरदार की बात बताई है, एक एक्टर के लिए शायद अच्छी बात भी होती है कि वो ऑडियंस के सामने हर तरीके से सामने आ जाता है। बिल्कुल, मेरे सामने एक्टर नो एक कलाकार नो हर तरीके का रोल करना चाहिए और अपना अपना करना चाहिए ओरिजिनल। हाँ, बुरा करो लेकिन अपना करो जी। करो तो सही। मुकम्मल सवाल मेरा यह है भी इतना सारा काम करने के बावजूद भी पंकज बैरी को कदे अफसोस हुआ है कि यार ये चीज़ शायद मैं नहीं कर पाया, या तमन्ना होवे दिल दे विच यार इदा दा कुछ जरूर करना है। एक्चुअली मैं हूँ फिल्म देख रहा सीगा, देखते देखते मैं लगे यार यहाँ पे तो ये इतने तो ये भी कर सकते सीगे, ओहो इतने तो ये भी हो सकता सीगा। नैचुरली बिकॉज एक्टर कदे ऑलवेज कदे हाँ वो हमेशा ही इंप्रूवमेंट के चांसिस होंगे ने जी। तो होर भी कोई इदा दा कोई तमन्ना हो दिल दे विच पूरी करना चाहते हो भी पंकज बैरी यार ये सुपना जो पूरा हो जाए तो स्वाद आ जाए। सपना ये है बस लोगों का प्यार जिस तरह मिलता रहा उस कैपेसिटी गणित वो होर बढ़ता जाए, लोगों का प्यार इंटेंसिटी होर बढ़ती जाए, लोग होर प्यार करते रहन, आशीर्वाद मिलता रहे। जाते जाते साडे दर्शकों की अपील करना चाहते जी? मैं तमाम दर्शकों अपील करांगा कि अपना आशीर्वाद अपना प्यार हमेशा बनाए मेरे उत्ते बनाए रखना, तो आ जड़ी फिल्म मैं की है इनू वेखो तो अपना रिएक्शन दो। आई होप थानू ये फिल्म पसंद आएगी। सर बहुत चंगा लगे थोड़े नाल गलबात करके, थोड़ा किमें लगे? बहुत अच्छा लगे, स्वाद आया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सो दोस्तों पंकज बैरी जी साढ़े नाल इस वक्त मौजूद सीगे, जिन्हां नाल मुलाकात की है और मुलाकात बारे अपनी कीमती प्रतिक्रिया जरूर देना और फेमस पंजाब टीवी नूं भी इदां ही प्यार करते रहना। थैंक यू सो मच।